Democracy. Democracy. Save India. Restore. Democracy. Restore. Democracy. Democracy. Save India. Restore. Democracy. Save India. Restore. Democracy. Save India. Restore. Save India. Restore. Democracy. Statehood. Save statehood. Save. Statehood. Save. Statehood. Restore. Restore. Democracy. Restore. Democracy. Democracy. आप तो वाकफ है इस चीज़ के कि सारे इंडिया में आजकल कोरोना चल रहा है, जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की वबा है, जिससे कि सारा इंडिया इस वक्त जल रहा है। और इस वक्त भी मोदी सरकार एक ही काम में लगी हुई है, वो है कि राजस्थान की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में, उसको गिराया जाए। इससे पहले भी उन्होंने कर्नाटका में ऐसा किया, इससे पहले भी उन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसा किया। गवर्नमेंट है वो उसको ख़त्म की जाए, उसके लिए ये लोग इलीगल प्रोसेस शुरू करते हैं, लोगों को पैसा बांटते हैं और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। इस वक्त इंडिया में एक ही चीज़ है, बीजेपी का नाम ही पड़ा है बहुत झूठ पार्टी। बीजेपी यानी बहुत झूठ पार्टी, जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, झूठ पे झूठ बोला। अब आप देख लीजिए, यहाँ 5 अगस्त से यहाँ जो है, यहाँ भी हमें डेमोक्रेसी को कत्ल किया गया है। और 5 अगस्त से आज 5 अगस्त तक, यानी 1 साल हो गया, अब होने लगा है। अब यहाँ भी किस तरह इन्होंने कौन सी बर्बादी की, कौन सी डेवलपमेंट यहाँ हो गई। 1 साल में हमारी देख लीजिए कहाँ से कहाँ, यानी 40,000 करोड़ हमारा नुकसान होगा, ये कौन बर्बा करेगा। 1 साल में हमारा जो नुकसान हुआ है कश्मीर का, यानी खुदा के लिए मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो कर रहे हैं, ये किस तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं, किस तरह ख़त्म कर रहा है मुल्क को। जिस तरह जो यहाँ यूनिटी थी, इनका एक ही मकसद है, टोपी से पहचान लो, खाने से पहचान लो और देख लो क्या हो रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं हमारे मज़दूरों का क्या हाल है, जो इस वक्त हमारे मज़दूर गए थे बाहर, उनका क्या हाल हुआ है। वजह ये है कि इन्होंने सारी इंस्टीट्यूशन अपने हाथ में ले ली है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया है, पुलिस अपने हाथ में ले लिया है, इनकम टैक्स अपने हाथ में ले लिया है, दूसरे जो एजेंसीज हैं वो अपने हाथ में ले ली, और जिसकी वजह से अपोजिशन वाले बेचारे, उनके ऊपर रेड किया जा रहा है, उनके ऊपर तकलीफ दिए जा रहे हैं, उनको जेल लिया जा रहा है। यानी ये उनको बेचारों को जो भी बात उठाता है उसके लिए 3 आर्टिकल, ये जो है PSU है, कोई है, उनको बंद रखा जाता है। आज भी देखिए, इसमें हमारे जो लीडर्स हैं, अपोजिशन लीडर्स जो हमारे हैं, वो भी आज बंद है, रेस्टोर है, घर पे रिस्ट्रिक्शन उनको की गई है मूवमेंट पे। ये कोई डेमोक्रेसी है? इसको आप, अगर इसी को आप डेमोक्रेसी करते हैं, फिर तो खुदा हाफिज़ है इस मुल्क। हाँ, आप देख लीजिए आज इस कोविड में आपको यहाँ 100 आदमी मिले, ये कोई डरने वाली बात है? जुदोजहद जारी है और हम देखते हैं कि इंशाल्लाह हमारी जुदोजहद अच्छे के लिए जारी रहेगी।